तो आज सरंगवा जावा कितना जीरा दर्शन पावा तो आज सरंगवा जावा कितना जीरा दर्शन पावा ओ जगो जगो रे जमण राजाया दरबार बेरू जीरे आया जगो जगो जमण राजाया कुल देवत घर में आया दर्शन पावा ये तो आज सरंग बाजावा कितला जीर दर्शन पावा कितला जीर महिमा भारी पप बेटी हिंसा धारी कितला जीर महिमा भारी पप बेटी चिंता सारी ओ जगो आज जमण राजाया कितला जी घर में आया जगो जगो रे जमण राजाया तोरे घर बम्बर में ज्योति सबाई आधा बड़े भाकर ऊंचो जट नव खंड मेला पहुंचो आधा बड़े भाकर ऊंचो जट नव खंड मेला पहुंचो ओ फेरु नव खंड जोता जागे मारे हुए उजालो राखे फेरु नव खंड जोता जागे मारे हुए रे उजालो राखे चारो दिशा दरवाजा जत नाग निमण कर राजा हर चारो दिशा दरवाजा जत नाग निमण कर राजा पगपाला रे डोड़ा आवे दरवाजे शीश नवावे भगत पैदल आवे दरवाजे शीश नवावे दरवाजो शोभा न्यारी जन स्वर्ग लोक रे बारी चोरी सुबा न्यारी जन स्वर्ग लोक री बारी जगो आज जमण राजाया मिथिला जी घर में आया जगो आज जमण राजाया कुल देवत तोरे घर आया सुनाना भारी जट गुनी रे धाम हद प्यारी भाकर में भेरू रमता जट नाग रूप अवतारी भाकर मेरे भेरू रमता जट नाग रूप अवतारी सोना नारी गादी मुड़के जट नाग रूप ने निरखे सोना नारी गादी मुड़के
मुड़ के जतना के रूप दे रखे जतना जी मनो मन बसिया जद जाय संग वापसिया जितना जी मनो मन बसिया जट जाय सुनाने बसिया ओ शांति भगत रो कहनो जितना दीर शरणे रेणो भगत रोके नो कितला जीर शरणों देनो ये रचना सोनाना खेतला जी के परम भक्तराज सोनाना खेतला जी के परम भक्ति शिरोमणि जिन्होंने अपना पूरा जीवन और जवानी सोनाना खेतला जी के चरणों में समर्पित की ऐसे भैषा शांतिलाल जी लादा जी भंडारी के चरणों में आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर समस्त लापोत नगरवासियों की ओर से हम वैसा के चरणों में सादर वंदनानुवंदन अर्पित करते हुए और ये रचना भारत मंच शिरोमणि आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह जिन्होंने हजारों लोगों का जीवन बनाया हजारों लोगों को मंच दिखाया और इस लापोत की धरती पर पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित किया ऐसे परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भैसा श्री ओम प्रकाश जी आचार्य की लिखित जिनकी कलम से ये रचना लिखी हुई है और ये रचना संवत 2052 दिन महासुदि एकम सोनाना खेतला जी के परम भक्तराज बाबजी शांतिलाल जी लादा जी भंडारी और उनके परम शिष्य गुरुदेव भैसा नेमीचंद जी देवड़ा की प्रेरणा से संवत 2052 महासुदि एकम के दिन उन दोनों ही भक्तों की ओर से ओम प्रकाश जी आचार्य के घर में माता जी और खेतला जी को विराजमान किया गया माता जी खेतला जी की स्थापना की गई और स्थापना के बाद उनकी कलम से ये जो है उनके लेखनी से ये भजन लिखा गया ओ शांति भगत रो कैणो कितना दीर शरणे रेणो ओ शांति भगत रो कैणो कितना दीर शरणे रेणो मेलियो बेरो दीर शरणो मन भव सुबतायो तिरणो मेलियो रे बेरो दीर शरणो मन भव सुबतायो तिरणो ओ जमणि राजाया कितना जी घर में आया जागो जागो निजो मन राजाया कुल देवत घर में जाया मोरी आख्या तलो अंधियारो पूछो तो हाल हमारो बैरू आख्या तको अंधियारो पूछो तो हाल हमारो देखिए जिंदगी के सफर में न जाने कितने मुसाफिर मिलते हैं मगर दामन थाम कर सही दिशा देने वाले बड़े ही पुण्यशाली पुण्य से मिलते हैं और हमारे भी जीवन के जो है पुण्य का उदय काल हुआ और सोनाना खेतला जी के परम भक्तराज और श्री लाखोटिया महादेव मेला मंडल सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष श्री नेमीचंद जी देवड़ा का जो है गुरुदेव ओम जीवा साहब के जीवन में आना हुआ और हमारे भी जीवन में उनकी जो है कृपा से उजाला है और वो गुरुदेव की कलम से लिखते हैं मोरी आख्या तलो अंधियारो पूछो तो हाल हमारो मारी आख्या तको अंधियारो पूछो तो हाल हमारो भाई भगत ने मुझे आया कितला जीरा दर्शन पाया भाई भगत ने मुझे आया कितला जीरा दर्शन पाया तो भगत ने मुसा आया कितला जीरा दर्शन पाया तो भगत ने मजी आया कितला जीरा दर्शन पाया संवत 2052 दिन महासुदि एकम रो संवत 2052 दिन महासुदि एकम रो कुल देवत बनने आया जद जमो जागरण लाया कुल देवत बनने आया जद जमोरे जागरण लाया आचार्य ओम जी गावे अनुभव रामोती पावे आचार्य ओम जी गावे अनुभव रामोती पावे आचार्य ओम जी गावे अनुभव रामोती पावे आचार्य ओम जी गावे अनुभव
सावरा मोती पावे जग जगो चमन राजाया बिटला जी घर में आया जग जगो रे चमन राजाया कुल देवत तोर घर आया ओ जग जगो रे चमन राजाया बिटला जी घर में आया जग जगो चमन राजाया।